शिवसैनिकों द्वारा सुरेंद्र कुलकर्णी के साथ की कार्रवाई अत्यंत शर्मनाक व निंदनीय, बोले पंजाबी साहित्य अकादमी के पूर्व प्रधान डॉक्टर गुरुभजन सिंह गिल। ऐसी घटनाएं देश की लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए खतरा, लेखक सुरेंद्र कुलकर्णी ने कोई गुनाह नहीं किया। पंजाबी साहित्य अकादमी के प्रधान डॉक्टर गुरुभजन सिंह गिल ने मुंबई में पाक के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी की बुक नाइदर अ हॉक नॉर ए डव के लॉन्चिंग समारोह से पूर्व कार्यक्रम के आयोजक एवं लेखक सुरेंद्र कुलकर्णी के मुंह पर शिवसैनिकों द्वारा कालिक पोतने की घटना को बेहद शर्मनाक एवं निंदनीय करार दिया है। डॉक्टर गिल ने कहा कि वह कुलकर्णी को नहीं जानते, लेकिन एक लेखक होने के नाते सुरेंद्र कुलकर्णी के मुंह पर नहीं, उनके मुंह पर कालिक पोती गई है। उन्होंने कहा कि लेखक होने के नाते सुरेंद्र कुलकर्णी ने कोई गुनाह नहीं किया था। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों से लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसमें पहले गुलाम अली को शो नहीं करने दिया गया, जो कि साफ है कि देश में फांसीवाद का आलम व्याप्त हो रहा है। डॉक्टर गिल के अनुसार पत्रकारों, लेखकों, कलाकारों के साथ ऐसी घटनाएं देश के लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। धर्म के नाम पर राजनीति खेली जा रही है, जो कि हिंदुस्तान के लिए उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को बोलने व लिखने की आजादी है, इसे धर्म के नाम पर बांटा नहीं जा सकता है। देश भर के पिछले लंबे समय तो जिस किस्म का कतलेआम कलमां का हो रहा है, चाहे वह कलबुरगी का होवे, चाहे वह किसी होर साडे लेखक का होवे, जर्नलिस्ट का होवे, वह एक ऐसी किस्म का फाशीवाद का आरंभ है जिसका सिख राज तुसी तीन दिन पहला गुलाम अली का बॉम्बे शो ना हो सकना वेख्या, अज सुरेंद्र कुलकर्णी होर का इस इल्जाम बदले मूँह कला किया गया शिव सैनिकों वालों कि उन्होंने पाकिस्तान के एक लेखक की किताब छापी जिहड़ा बदकिस्मती नूं उत्थों दा साबका वजीर भी है। मैनूं लगता कि जिहड़ी साडे अंदर एक खास किस्म की मूलवादी भावना उसर रही है, ये देश दे जिहड़ा साडा डेमोक्रेटिक सिस्टम है प्लस जिहड़ी साडी वन सुवनता वाली साडी कल्चरल हैरीटेज है, उस लई बड़ा वड्डा खतरा है। जे किसी ने धर्म के नाते राजनीति करनी है तो वह इस गल तो कदे मुनकर ना हो कि एक खतरनाक राह आ जिहड़ा सिव्यां नूं जांदा है। असीं सारे ही धर्मां वाले आप अपने धर्मों को अपने टिकाने से रखते हुए अपन भावनावान धर्म के नाँ के उत्ते इस तरह दुरवरतों कर तो गुरेज करिए। और सुरेंद्र कुलकर्णी होर मैं नहीं जानता, एक प्रकाशक के रूप के एक लेखक के रूप से पछाण है, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। हर आदमी हक है कि वह लिख सके, पढ़ सके, इसी आजादी कहते हैं, सूरमे ने इस वास्ते सीस दिते सके। और जे कसौली के खुशवंत सिंह के 100वें जन्म दिहाड़े से उही लेखक उही बाकी सारा काफिला लिखारियों का उत्थे उन्हें इज्जत मान दे सकता है, तो बॉम्बे दे विच उहदी किताब दे रिलीज़ होने के समागम की सवेर ये कालख जिहड़ी मैंने लगता है यदा बहुत सारा हिस्सा मेरे मूँह से भी मलिया गया, क्योंकि मैं एक भारत का वह वसिंदा हाँ जिहड़ा लेखक भी हाँ, पंजाबी साहित्य अकादमी लुधियाणा का साबका प्रधान भी हाँ। और मैं अपने आप नखेड़ के नहीं वेखता शिव सैनिकों नालों ना कलमकारां नालों, मैं एक भारतीय होने नाते शर्मसार भी हाँ और इस हरकत की पुरजोर निंदा करता। जागती लहर के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट।